हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। और ये दोस्तों काफ़ी हैवी साइज है, तो हम नाप पहले समझ लेते हैं। सूट की लंबाई है 39 इंच 39, चेस्ट है 50 इंच 50, अपर चेस्ट है 46 इंच 46, 44 इंच कमर है 44, 54 हिप है 54 इंच, बाजू की लंबाई 7 इंच 13 मोरी, 7 इंच बाजू 13 इंच मोरी, 18 इंची चाक है 18, 27 घेरा 27 इंच, 16 इंच तीरा है 16, 8 इंच गला फ्रंट का है बैक का 8 इंच, 8 इंच फ्रंट बैक 8 इंच। तो दोस्तों इस नाप से हम कटिंग करेंगे। जो नाप हमारा दोस्तों बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई लूजिंग नहीं देना और ना ही कोई कम करना है, तो इसी के बिल्कुल प्रॉपर नाप से हम कटिंग करेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कटिंग। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसकी कटिंग करना है। ये दोस्तों डायरेक्ट हम कटिंग कस्टमर के सूट में ही कटिंग कर रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े की लंबाई लेंगे। जो हमारे 39 इंच लंबाई है तो हमें इस तरह से रखना है। ये दोस्तों हमारी यहाँ तक लंबाई आ रही है 39, और ये हमने तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ जो नीचे हम फोल्ड करते हैं तुरपाई का। तो इस तरह से हमें पहले लंबाई में कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये निशान हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसी के बराबर से हमें पहले फ्रंट के कपड़े को कटिंग कर लेना है। दोस्तों हम अलग अलग दोनों पल्ले कटिंग करके बताएंगे, फ्रंट का अलग करेंगे कटिंग और बैक की अलग, क्योंकि एक साथ कटिंग करने में कई बार समझ में नहीं आता। तो हम पहले फ्रंट के पल्ले की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कढ़ाई वाला पीस है, इसमें कढ़ाई हो रखा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करना है और कढ़ाइयों को हमें बराबर मिला लेना है। ये देखिए हमारी कढ़ाई है, जो आगे पीछे ना होने पाए इस तरह से दोनों कढ़ाइयों को एक बराबर मिला के रखना है। अब ये कपड़ा हमारा, ये देखिए इधर यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि जैसे बिगनर्स होते हैं, नए सीखने वाले, तो क्या करते हैं इस कपड़े को बराबर पकड़ के कटिंग कर देते हैं, तो कढ़ाई हमारी आगे पीछे हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें हमेशा। तो इस तरह से हमें कढ़ाई दोनों तरफ की बराबर मिला लेना है और उसके बाद में हमें इसमें लगा देना अच्छी तरह से प्रेस। कपड़े को हम इस तरह से पहले बिछा लेंगे सही से। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रेस लगा लिया है। अब प्रेस लगाने के बाद हम सबसे पहले ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखिए हमें यहाँ पे सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। अब इसके बाद में हम नीचे लंबाई की इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है इसके बराबर से, और यहाँ पे हम लंबाई का पहले निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 39 39 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे जो हमारा कंधे का दबाव होता है, तो 39.5 इंच पे हमें निशान लगाना है 39.5 इंच। अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के भी हमें इसी तरह से बराबर निशान लगा देना है ताकि हम नीचे सीधा निशान लगा सकें। अब यहाँ पे हमें नीचे पहले इस तरह से स्केल की मदद से सीधा निशान लगा देना है, और ये हमारा हो जाता है नीचे तुरपाई का फोल्ड। अब हम आ जाते हैं ऊपर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, गले के हिसाब से तीरे का नाप लगाना है। तो गला हमारा फ्रंट का 8 इंच और बैक का भी 8 इंच है, तो इसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है गले के हिसाब से, क्योंकि अगर इसमें छोटा गला होता तो हम इसका तीरा पूरा लेते। जैसे 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक गला होता है, तो इसमें तीरा जितना, अगर 16 इंच है तो हम 16 इंच पे ही निशान लगाएंगे तीरे पे, और इसमें गला ज़्यादा है हमारा तो ये हमें तीरा कम लेना होता है, क्योंकि कंधी गला डीप होगा तो ऑटोमेटिक कंधी फैलती है।
तो इसमें हमें लेना है 6 इंच, मतलब 12 इंच टोटल तीरा कटिंग करेंगे हम इसका। 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया इस तरह से, और गले की ब्रॉडिंग का हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे इस तरह से। अब दोस्तों आरमोल की बात रही तो आरमोल हमें निशान लगाना है यहाँ पे 7 इंच पे। अब साइज ज़्यादा था इसलिए हमने 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया हुआ है, नहीं कम साइज होता है 30, 32, 34, 36 तक, तो हम इसमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेते हैं। फिर हमने ये 6 पे निशान लगाया है, तो यहाँ का हमें लंबाई आरमोल की नीचे की लगाते हैं हम 6.5 इंच पे, और इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसलिए हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये निशान हमें इस तरह से सीधा लगा देना है पहले। अब इसके बाद में दोस्तों हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का निशान हम 14.5 इंच पे लगाएंगे, और हिप का निशान लगाना है तो ये हिप का निशान हम 22 इंच पे लगा देते हैं। दोस्तों हमेशा हिप का निशान 21 या 22, 21-22 तक ही आता है। निशानों को भी हमें इस तरह से सीधा लगा देना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो ये 50 इंची चेस्ट है, 50 इंच, तो इसका दोस्तों हम चौथाई हिस्सा लेंगे, तो चौथाई हिस्सा होता है 12.5 इंच 50 इंच का, तो यहाँ पे हमें 12.5 इंच पे पहले निशान लगाना है। ये देखिए हमने 12.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब दोस्तों इसकी अपर चेस्ट भी है, ये अपर चेस्ट है 46 इंच, 46 इंच, तो इसका भी हमें चौथा हिस्सा लेना है। अब हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाना है, तो ये अपर चेस्ट है 46 इंच, मतलब 46 इंच, तो इसका हमें चौथाई हिस्सा लेना है। चौथाई हिस्सा लेंगे दोस्तों 46 इंच का, तो यह आएगा 11.5 इंच, तो इस तरह से हमें 11.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब कमर है 44 इंच, 44, तो इसका भी हमें चौथा हिस्सा लेना है, तो ये आएगा 11 इंच। तो हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप है 54 इंच, 54 इंच, तो इसका भी हमें चौथा हिस्सा लेना है। अब ये चौथा हिस्सा 54 इंच का होता है 13.5 इंच, तो इस तरह से हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। घेरा है 27 इंच, तो हम घेरे का भी निशान 13.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम निशान लगाते हैं पहले आरमोल का, तो यहाँ पे हमें इस तरह से सीधा निशान लगा देना है, या फिर आप नाप के भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें जितना हमने तीरा लिया हुआ है 6 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें सीधा मिला देना है। अब ये दोस्तों हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और कंधे 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ कंधी के निशान से यहाँ पे हमें मिला देना है। अब इसके बाद में हमें चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान पे मिलाना है। ये दोस्तों हम स्केल इस तरह से लेंगे जहाँ से हमारी राउंड शेप फट्टी है, तो हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद में हमें हिप पे निशान लगाना है, तो देखिए हमने इस तरह से हिप पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें घेरे तक निशान लगाना, तो इस तरह से हम इंची टेप रख लेंगे। पहले सीधा निशान इस तरह से हमने लगा लेना है। अब स्केल की मदद से हिप से हमें सीधा निशान लगाना है। तो दोस्तों हमने घेरे तक निशान लगा दिया। अब यहाँ पे इस तरह से हमें क्रॉस का निशान लगा देना है, जिससे हमें पता चल सके कि कहाँ से हमारे चाक खुलेंगे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं चेस्ट और अपर चेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर इस तरह से राउंड का शेप नहीं देंगे तो ये दोस्तों बहुत झोल मारेगा और सूट की फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ से हमें तीरे से नापना है, कंधी से 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इस निशान को हमें यहाँ पे सीधा लगा देना है। अब दोस्तों ये जो हम यहाँ पे राउंड का निशान लगाएंगे,
तो यहाँ से हमें लगाना है राउंड का निशान। तो इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये अगर आप इस तरह से निशान लगाते हैं तो जो झोल मारता है सूट अपर चेस्ट के पास में लूज हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें शेप देना है फ्रंट के आर्म होल की और बैक के भी। तो इस तरह से हमने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब दोस्तों हमें बैक का भी निशान लगाना है, तो इस तरह से हमें बैक का भी निशान लगा देना है। अब इसे हमें कट इन कर देना है। अभी हम अंदर वाले निशान पर नहीं कट इन करेंगे, बाहर वाले निशान से कट इन करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक कट इन कर लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट इन करना है। तो आप अगर निशान लगा के कट इन करना चाहें तो निशान लगा के कर लें, या आइडिया से करना चाहें तो आइडिया से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट इन करना है। तो दोस्तों हमने फ्रंट की कट इन कर लिया, अब हमें बैक पल्ले की कट इन करना है। तो इसे हम पहले इस तरह से तय लगा के हटाएंगे। ये दोस्तों हमें बैक पल्ले को किस तरह से निकालना है जो हम एक साइड से कपड़े को बचा लें जिससे हम बाजू निकाल सकें। तो इसका घेरा 27 इंच है, तो 27 का हम आधार निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे। इस तरह से हमें 13.5 पे निशान लगाना है और इसके बाद में हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। अब ये हमें देखना है कि कितना है हमारा पूरा कपड़ा तैयार है, 15.5 इंच। अब 15.5 इंच इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे निशान लगा देना है। तो ये हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। अब कपड़े को हम यहीं से फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और सीधा वाला कपड़ा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये निशान को बराबर पकड़ के हम कपड़े को इस तरह से पहले फिनिश करेंगे। और इस तरह से रख के कपड़े को बिछा लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें हम लगा लेंगे प्रेस। तो इसमें हमने प्रेस लगा लिया है। अभी हमें फ्रंट का पल्ला लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से बराबर करके कपड़े को इस तरह से हमने बिछा लिया इसके ऊपर। अब बिछाने के बाद में दोस्तों अब ध्यान देने वाली बात है कि साइज जो ज़्यादा होता है उस साइज में हमें क्या करना होता है कि हम कंधी को कम से कम 1/2 इंच से लेके 1 इंच तक एक्स्ट्रा करते हैं। किसी में हम 1/2 इंच करते हैं, जैसे साइज थोड़ा कम हुआ तो 1/2 इंच नहीं 1/4 इंच और 1 इंच तक ऊपर बैक का पल्ला एक्स्ट्रा कट इन करना होता है। तो इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम पहले स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। अभी हमने 1/2 इंच कंधी डाउन कर देना है यहाँ पे और तीरे के बराबर से हमें निशान लगा देना इस तरह से। अब दोस्तों हमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमें जो हमने फ्रंट का पल्ला पूरा कट इन कर लिया है, तो इसे अब हमें क्या करना है कि इसे भी 1/2 इंच इस तरह से हम और नीचे की तरफ डाउन करके कट इन कर देंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह से कट इन करते हैं तो ये हमारा आर्म होल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हमें 1/2 इंच डाउन कर देना है। ये देखिए हमने फ्रंट के पल्ले को इस तरह से 1/2 इंच कम कर दिया। अब हमें इस निशान से बैक पल्ले को कट इन करना है, तो बिल्कुल हमें इसी के बराबर से कट इन कर देना है। तो इस तरह से हमने कट इन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे हिप के पास में कट लगा देना है और इसके बाद में हमें जहाँ से हम घेरा को फोल्ड करेंगे वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट इन कर देना है।
और जहाँ से हम चाक फोल्ड करेंगे वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। ये देखिए हमने कमीज की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अपर चेस्ट जहाँ से हमने निशान लगाया था यहाँ पे भी हमें कट लगा देना है। अब ये कट लगाने के बाद में दोस्तों हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ये जो हमने अंदर वाला निशान लगाया था उसी निशान पे हमें कटिंग कर देना है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, जो हमने ये कटिंग किया है 1 इंच एक्स्ट्रा, तो ये जो हमारा फ्रंट का पल्ला पीछे की तरफ भागता है तो वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगी, नहीं भागेगा। तो इस तरह से ये हमारा इतना ऊपर की तरफ अटैच हो जाएगा, तो ये जो पीछे को खिंचाव मारता है सूट, तो ये बिल्कुल अब खिंचाव नहीं मारेगा। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं, अब हमें बाजू की कटिंग कर लेना है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ये दोस्तों हमने बाजू का कपड़ा ले लिया है और इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। थोड़ा हैवी साइज होता है सूट, तो उसमें बाजू में बिना जोड़ लगाए बाजू का काटना मुश्किल होता है। अगर फालतू कपड़ा होता है तो उसमें बाजू आराम से निकल जाती है, तो इसमें हमें बाजू में जोड़ लगा के कटिंग करना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को पहले फोल्ड कर लिया है और हम सबसे पहले नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने इतना तुरपाई का निशान लगा लिया है। अब बाजू की लंबाई का निशान लगाना है, तो बाजू की लंबाई है 7 इंच। तो इस तरह से हम 7 इंच 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा कंधी का दबा हो जाता है। और यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाना है इस तरह से। अब दोस्तों 46 इंची अपर चेस्ट है तो उसका हमें 5 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों आएगा हमारा 9.25 इंच। तो इस तरह से हमें बाजू को थोड़ा सा और इस तरह से कम कर लेना है यहाँ पे, और हम 9.25 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और बाजू की मोरी है 13 इंच, तो हमें 13 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है हमें। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप लगा लेना है निशान, और निशान पे ही हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमें 20 सेंटर पे कट लगा देना है इस तरह से। नीचे का भी कपड़ा एक्स्ट्रा हमें कटिंग कर देना है। अब दोस्तों अभी हम बाजू को इस तरह से हटा के रखेंगे और बाजू में हमें जोड़ लगाना है। तो इस तरह से हमें ये कपड़ा लेना है और ये कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर रखा है, ये देखिए, और बाजू को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें 1/2 इंच दबाव ले लेना है, एक एक पैर का दबाव लेना है। अब इसी के बराबर से कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने तुरपाई के फोल्ड के लिए कट लगा दिया, और यहाँ पे जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पे भी हमें कट लगा देना है। अब दोस्तों इस पल्ले में हमें जो हमारा पूरा जोड़ नहीं है उसमें हमें फ्रंट का आर्म होल की कटिंग करना है। तो इस तरह से निशान लगा लेना है पहले, और उसके बाद में कटिंग कर देना है। ये देखिए हमारी बाजू इस तरह से कट चुकी है। तो दोस्तों हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अगर ये आपको सूट की कटिंग का तरीका आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हैवी साइज सूट की कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।